दो अलग चीज है। रिवर्सर को J1 J2 बोलते हैं और CTF जो है ये तय करता है कि ट्रैक्शन में है या ब्रेकिंग में। और CTF 1 2 3 की दो पोजीशन है, ऊपर और नीचे। जब गाड़ी चलानी है ट्रैक्शन में होगी तो CTF के ये हैंडल ऊपर की ओर रहेगा। अगर ब्रेकिंग में जैसे MP को P पर करेंगे C145 क्लोज हो जाएगा और क्लोज होकर के इस हैंडल को नीचे गिर कर देगा, जिससे CTF 1 2 3 का जो इंटरलॉक हमारे उसमें ट्रैक्शन पावर सर्किट में जुड़ जाएंगे और इससे हमारी विद्युत ब्रेकिंग चालू हो जाएगी। अब CTF 1 2 3 और J1 J2 देखने में दूर से एक जैसे लगते हैं। ये हमारा CTF है और ये हमारा J1 J2 है। अब कैसे पता लगेगा? J20 जोड़ा, ये दो का जोड़ा है डबल, ये दोनों जोड़े में लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? ये J1 J2 प्रोसीजर वही है। जब गाड़ी हमारी कैप वन की ओर चलेगी तो हमारा ये हैंडल ऊपर की ओर रहेगा बनअप, और जब गाड़ी कैप टू की ओर चलेगी तो हैंडल डाउन की ओर रहेगा। अगर ये हमारा J1 J2 प्रॉपर सेट नहीं है तो हम हाथ से सेट कर सकते हैं। जो हमारा UP कटआउट कॉक है, जो न्यूमेटिक प्रेशर आ रहा है, वहां से हम प्रेशर काट देंगे, इसको प्रेस करेंगे तो लाइन प्रेशर हमारा निकल जाएगा। इसके बाद आप हाथ से सेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा J1 J2 और ये हमारा CTF, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ये हमारा MCPA बेबी कंप्रेशर,